नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता अनुमान मैं आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत आधुनिक काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता जागो फिर एक बार और बादल राग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को देख रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हमारा विगत वीडियो जो प्रश्न चल रहा है कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी से संबंधित जो प्रश्न है वह निराला जी के काव्य के भाव पक्ष या अनुभूति पक्ष की विशेषताओं पर उदाहरण प्रकाश डालिए। या फिर ये प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है कि निराला समृद्ध भावबोध और व्यापक यथार्थ चेतना के कवि हैं। निराला जी समृद्ध भावबोध और व्यापक यथार्थ चेतना के कवि हैं, उदाहरण सहित समझाइए। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें हमने भूमिका पढ़ी, उसके बाद में हमने निराला जी का काव्य का जो भाव पक्ष है उसमें महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखा, यानी इन विशेषताओं को देखा, जिनमें हमने पढ़ा था प्रकृति सौंदर्य का चित्रण, दूसरी विशेषता हमने पढ़ी थी भाव पक्ष में प्रेम और श्रृंगार विलास, तीसरी विशेषता हमने पढ़ी थी उत्सुकता, चौथी पढ़ी थी कल्पना वैभव या कल्पना शक्ति जिसको हम कह सकते हैं, और एक पढ़ी थी हमने आध्यात्मिकता। उसके बाद में अब हम देखेंगे अगली विशेषता। प्यारे विद्यार्थियों, व्यंग्य विनोद, छठी विशेषता हम ले रहे हैं व्यंग्य विनोद। व्यंग्य भी और हास्य भी दोनों का एक तरह से भाव निराला जी के काव्य में मिलता है। इनके भाव पक्ष में निराला जी की जो कविता है नए पत्ते, निराला की कविता नए पत्ते और कुकुरमुत्ता ये जो रचना है ये निराला जी कविता नए पत्ते और कुकुर मुता व्यंग्य प्रधान कविताएं हैं, और उनका जो व्यंग्य होता है, निराला जी का जो व्यंग्य है वो प्यारे विद्यार्थियों सामाजिक विषमता और मानव जाति के प्रति सहानुभूति के रूप में होता है। यानी उनका जो व्यंग्य का विषय है प्यारे विद्यार्थियों वो सामाजिक विषमता और मानव के प्रति सहानुभूति, ये इनके विषय हैं। और ऐसे भाव इनके व्यक्त हुए हैं, यानी इनके व्यंग्य में जो है एक तो सामाजिक विषमता, सामाजिक जो वैषम्यता है और मानव जाति के प्रति या मानव के प्रति सहानुभूति, ये इनके काव्य का प्रमुख व्यंग्य विषय रहा है। और इनके काव्य में व्यंग्य का जो अधिक पेनापन है, इनके काव्य में व्यंग्य बहुत तीखा व्यक्त किया गया है, या हम कह सकते हैं व्यंग्य का तीखापन या पेनापन है। और इनकी कुछ रचनाएं जिसमें
इन्होंने जो व्यंग्य किया है जिसमें सामाजिक विषमता है, निर्धनों का शोषण है, उत्पीड़न है, ये इसमें व्यंग्य का जो तीखापन है इनमें दिखा देता है। व्यंग्य का तीखापन या पेनापन एक तो सामाजिक विषमता पर, निर्धनों का शोषण, उनके ऊपर अत्याचार, उत्पीड़न, इनके ऊपर और शोषण उत्पीड़न पर इनका व्यंग्य, तीखा व्यंग्य किया गया है। सामाजिक विषमता, निर्धनों का शोषण, उत्पीड़न, ये व्यंग्य का तीखापन इस इन रूपों में किया गया है। या हम कह सकते हैं कि व्यंग्य का जो तीखापन या पेनापन है वो जिसका जो आधार है मुख्य वो सामाजिक विषमता और निर्धनों का शोषण उत्पीड़न इत्यादि है। इनकी कुछ कविताएं हैं जिनमें जैसे मानव जहां बेल घोड़ा ये इनकी कविताएं हैं, और कैसा तन मन का जोड़ा, कैसा तन मन का जोड़ा, इन कविताओं में निराला जी ने प्यारे विद्यार्थियों सामाजिक विषमता पर व्यंग्य किया है। इनमें सामाजिक विषमता पर व्यंग्य किया है। इनकी जो ये कविताएं हैं, इन कविताओं में जहां मानव जहां बैल घोड़ा कैसा तन मन का जोड़ा, इनमें सामाजिक विषमता पर व्यंग्य किया गया है। और गुलाब जो इनकी कविता में का जो प्रतीक है, गुलाब के माध्यम से पूंजीपतियों पर व्यंग्य किया गया है। गुलाब ये प्रतीकात्मक है, तो गुलाब के माध्यम से पूंजीपतियों पर करारा व्यंग्य किया गया है। देखिए एक उदाहरण है, अबे सुन बे गुलाब, यहाँ गुलाब को लक्ष्य करके पूंजीपतियों के रूप में गुलाब को व्यंजित किया गया है कि अबे सुन बे गुलाब, भूल मत जो पाई तूने खुशबू पाई, खुशबू रंगो आब, खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, डाल पर इतरा रहा तू कैपिटलिस्ट। तो इसमें यह पूंजीपति है, कैपिटलिस्ट मतलब पूंजीपति वर्ग है, वो किस प्रकार से निम्न श्रमिक वर्ग या निम्न वर्ग है उनका शोषण करते हैं। ये गुलाब यहाँ पर पूंजीपति का प्रतीक है कि अबे सुन बे गुलाब, हे गुलाब रूपी पूंजीपति, भूल मत जो पाई खुशबू रंगो आब, कि तुम ये मत भूलो तुमने जो खुशबू रंग आब ये जल पानी इत्यादि तूने प्राप्त किया है, वे गरीब जनता के खून से चूसा खाद का तूने अशिष्ट,
ये तुमने गरीबों के गरीबों रूपी जो खाद है उसका तूने खून चूस करके तुम ऐसे गुलाब बन रखे हो, या तुमने खुशबू रंगवाब तूने प्राप्त किया है। अब डाल पर तू इतरा रहा तो कैपिलिस्ट अर्थार्थ हे पूंजीपति तू अब बैठा बैठा ताजो तख्त पर बैठा बैठा इतरा रहा है, जबकि तुम्हारी नींव तो ये गरीबी है। तुमने इन गरीबों का खून शोषण कर खून पी करके इनका शोषण करके ही तुम धनवान बना है, पूंजीपति बना है। इस प्रकार का करारा व्यंग्य किया है। निराला जी ने संपन्न लोगों के पाखंड और ढोंग का भी विरोध किया है। जो संपन्न लोग हैं, पैसे वाले हैं, बहुत पूंजीपति है, उन संपन्न लोगों के पाखंड पर गहरा व्यंग्य किया है। कैसे किया है? झोली से पुए निकाल लिए, कविता है, कुछ अंश है। झोली से पुए निकाल लिए, झोली से पुए निकाल लिए, बढ़ते कपियों के हाथ दिए। बढ़ते कपियों कहते बंदर को, बढ़ते कपियों के हाथ दिए। देखा भी नहीं, देखा भी नहीं उधर फिरकर, उधर फिरकर जिस ओर रहा वह भिक्षुक इतर, जिस ओर रहा भिक्षुक इतर, चिल्लाया किया दूर दानव, चिल्लाया किया दूर दानव, बोला मैं धन्य श्रेष्ठ मानव, बोला मैं धन्य श्रेष्ठ मानव। तो इन पंक्तियों में प्यारे विद्यार्थियों, जो है गरीब की दशा का चित्रण किया है। जो संपन्न लोग है कैसे पाखंड करते हैं दान, इनकी जो कविता है दान, इनमें जो दान कविता है उसमें जो ढोंगी पाखंड जो दान देने वाले हैं, दान कविता में इन ढोंगी पाखंडों पर जो ढोंगी लोग हैं इनके ऊपर व्यंग्य किया है कि झोली से पुए निकाल लिए। झोली में से जो पुए हैं, ठीक है, जो मीठी रोटी, जो रोटी इत्यादि वो निकाल लिए, पुए निकाल लिए, बढ़ते कपियों के हाथ दिए। यानी जो संपन्न लोग हैं वो बंदरों को जो है इनको हम पुए दे रहे हैं, लेकिन इधर देखा भी नहीं उधर फिरकर, और ये लोग संपन्न लोग हैं वो भिक्षुक की तरफ, यानी जो भिखारी हैं उनकी तरफ इन्होंने मुड़ करके भी नहीं देखा, जो कि कितने दिनों से मान लीजिए भूखा है, उसको तो भोजन नहीं मिल रहा, और जो कपी है बंदर हैं उनको लोग, ये संपन्न लोग हैं उनको खूब उनको खिला रहे हैं। तो इस प्रकार से एक मानव की ओर ध्यान नहीं दिया दे रहा है। और चिल्लाया किया दूर दानव, और भिक्षु जब उसके पास आता है मांगने के लिए तो वह ज़ोर से उस पर चिल्लाता है और उसको दानव तक कहता है कि चिल्लाया उस पर दूर दानव के, दानव हट जाए यहाँ से, मैं जो बंदरों को जो है ये पुए खिलाकर धर्म कर रहा हूँ, पुण्य कमा रहा हूँ। और बोला मैं धन्य श्रेष्ठ मानव, और बोल रहा है कि मैं ही धन्य हूँ, श्रेष्ठ मानव हूँ। तो एक तरफ पशु को दिया जा रहा है तो दूसरी तरफ मानव वंचित है। कहने का तात्पर्य ये संपन्न लोग पशुओं को, पशु पक्षियों को, इनको तो दे रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जो मानव है, जो भिक्षुक है, जो भिखारी है, वह भूख से व्याकुल है, उसको नहीं मिल रहा। तो इस प्रकार से संपन्न लोगों की एक तरह से पुण्य प्रथा पर, धर्म प्रथा पर भी व्यंग्य किया गया है। अगली विशेषता देखिए प्यारे विद्यार्थियों, गहरा विषाद, गहरा विषाद। इसमें देखिए निराला जी के अधिकांश कवियों में गहरा विषाद का जो गुण है या गहरा विषाद जो है ध्वनित होता है, प्रतिध्वनित होता है। और ये जो विषाद है, ये जो दुख है, विषाद मतलब दुख, अविषाद, उदासी, गम, ये
इनके व्यक्तिगत और समष्टिगत, यानी व्यक्तिगत भी और सामाजिक भी है, समष्टिगत भी है, दोनों ही प्रकार से हैं। और अणिमा नामक इनकी कविता जो है, इसमें एक गीत है सने निजर, अणिमा काव्य में एक गीत है सने निजर। इन पंक्तियों में गहरा दुख दिखाई देता है, जैसे सने निर्जर बह गया है, रेत ज्यों तन रह गया है। सने निर्जर बह गया है, सने प्रेम निर्जर बह गया है, झरने के समान बह गया है। सने निर्जर बह गया है, रेत ज्यों तन रह गया है। तो इन पंक्तियों में प्यारे विद्यार्थियों, गहरी विषाद की छाया दिख रही है। मैं अकेला देखता हूँ आ रही मेरे दिवस की संध्या बेला, इस प्रकार से हैं। सने निर्जर बह गया है, रेत ज्यों तन रह गया है। मैं अकेला देखता हूँ आ रही मेरे दिवस की संध्या बेला, मैं देख रहा हूँ मेरे जीवन रूपी दिन की संध्या बेला है, वो आ रही है। तो इस प्रकार से विषाद का भाव यहाँ व्यक्त हुआ है। सरोज समृति में निराला जी की जो सरोज समृति है, अपने पुत्री की मृत्यु के बाद में जो कविता लिखी है सरोज की याद में, तो सरोज समृति में व्यक्तिगत जो दुख है, विषाद है, वेदना है, पीड़ा है, करुणा है, उसको निराला जी ने व्यक्त किया है। तो सरोज समृति जो कविता है वो इनके व्यक्तिगत विषाद, दुख, वेदना और पीड़ा से भरी हुई कविता है, और जिसमें वो सांसारिक जीवन को निसार बताते हैं और ये कहते हैं कि दुख ही जीवन की कथा रही, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। तो इन पंक्तियों में निराला जी के दुख का भाव व्यक्त हो रहा है, विषाद का भाव व्यक्त हो रहा है। इसी के साथ उगते पल्लव से कोमल शाखा में आए थे जो निष्ठुर कर से मले गए, आए थे यानी जो पत्ते कोमल शाखा पर आए थे उनको निष्ठुर हाथों ने मल दिया, अर्थात उनको मसल दिया। इस प्रकार से मेरे प्रिय सब बुरे गए, मेरे जो प्रिय थे सब बुरे गए, सब भले गए, मेरे साथ में जो भले बुरे थे वे सब के सब चले गए हैं। जीवन की विषादता दुख कोई भाव यहाँ पर व्यक्त हुआ है। अगली विशेषता प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ लिख रहा हूँ मैं अगली विशेषता, ये 5, 6, 7, 8वीं विशेषता है राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता का भाव भी निराला जी काव्य में देखने को मिलता है, और इन्होंने आवाज़ उठाई है निराला जी की राष्ट्रीय भावना और जो देश प्रेम की भावना है वो बड़ी व्यापक है। और उनकी रचनाओं में देखिए, बात करें तो देश की जो तत्कालीन सामाजिक और आर्थिक विषमता है, हीनता है, उस पर उन्होंने कविता लिखी है, अपने विचार व्यक्त किए हैं। नारी की महानता पर विचार व्यक्त किए हैं, अतीत के वैभव का गुणगान किया है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं इसे इन बातों से राष्ट्रीयता का भाव दिखता है निराला जी के काव्य का। देश की तत्कालीन सामाजिक और आर्थिक हीनता, विषमता, नारी की महानता, अतीत का वैभव, गुणगान, समाज के मधुर रूप की कल्पना करना, हिंदी भाषा के प्रति निष्ठा का भाव हो, दलित शोषणों के प्रति सहानुभूति का भाव है, राष्ट्रीय जागरण, इस प्रकार से ये भावना इनकी मुखरित हुई है, जिनसे इनकी राष्ट्रीयता का भाव पता चलता है। प्यारे विद्यार्थियों, जागो फिर एक बार इसी प्रकार की कविता है जिसमें निराला जी की राष्ट्रीय भक्ति, देश प्रेम इस जो है झलकता है, ये भावना दिखती है। निष्कर्ष के रूप में प्यारे विद्यार्थियों, तो राष्ट्रीयता के बारे में आपको समझ में आ गया जो मैंने बोला है, वो आप ध्यान कर लेना। राष्ट्रीयता का भाव यानी देश प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना भी निराला जी काव्य में देखने को मिलती है, जिसमें देश की जो तत्कालीन सामाजिक और आर्थिक विषमता है, नारी की महानता है, या जो अतीत का वैभव का गुणगान करना हो, या फिर राष्ट्रीय जागरण हो, दलितों, शोषण जो पीड़ित है उनके प्रति सहानुभूति हो,
हिंदी भाषा के प्रति निष्ठा हो, ये सब चीज़ें इनके राष्ट्रीयता का भाव प्रकट करती है। और एक इनकी कविता है महाराज शिवाजी का पत्र है और जागो फिर एक बार, महाराज शिवाजी का पत्र और जागो फिर एक बार, यही ऐसी राष्ट्रीय भावना से उत्प्रोत कविताएं हैं जिसमें निर्मला जी के राष्ट्रीय भाव प्रकट होता है। प्यारे विद्यार्थियों, निष्कर्ष के तौर पर हम कहेंगे कि संक्षेप में हम कह सकते हैं कि निर्मला जी का जो भाव पक्ष है वो विविध रंगों में रंगा हुआ है। निर्मला जी का जो भाव पक्ष है वो विविध रंगों में रंगा हुआ है, अनेक अनुभूतियाँ उसमें भरी हुई है। साथ ही साथ प्यारे विद्यार्थियों, उन्होंने छायावादी, प्रयोगवादी, प्रगतिवादी तत्वों का जो एक तरह से समीकरण हम कह सकते हैं या इनका सम्मिश्रण कह सकते हैं, छायावादी प्रयोगवादी प्रगतिवादी, इनका एक तरह से सम्मिश्रण है वो इनके काव्य में देखने को मिलता है। और उनका जो अनुभूति पक्ष है वो अनेक विशेषताओं से मंडित है। इनका जो अनुभूति पक्ष है, भाव पक्ष, भाव है निराला जी का, जो भाव अनुभूतियाँ हैं वो बड़ा एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक तो उनका जो अनुभूति है वो ऐसा लगता है वास्तविक है, यथार्थ है। और तो इस प्रकार से उनका जो अनुभूति पक्ष है वो अनेक विशेषताओं से ओतप्रोत है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, ये प्रश्न आज पूर्ण हुआ। तो ये आज हमने इनके जो निराला जी का जो काव्य पक्ष, काव्यगत भाव पक्ष है उसमें देखिए, प्रकृति सौंदर्य का चित्रण है, प्रेम और श्रृंगार विलास है, उत्सुकता है, कल्पना वैभव है, आध्यात्मिकता है, व्यंग्य विनोद है और गहरा विषाद है, इसके साथ साथ राष्ट्रीयता और अंत में निष्कर्ष। तो आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा और इसको ठीक प्रकार से आप पढ़े समझे। प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे किसी नए प्रश्न को लेकर। तब तक के लिए इस प्रश्न को ठीक प्रकार से पढ़े समझे और नोट्स बनाकर याद करें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद विद्यार्थियों।